ज़ईम कादरी साहब अभी सियालवी साहब को मिले और आप भी उनसे मुलाकात जो है वो ड्यू है, वो कोई ऐसा पैगाम लेके आए जिसकी बेसिस पे कोई मामला तय हो गए हों और आप जाके मुलाकात करें और ये मामला रफा दफा हो जाए, ख़त्म हो जाए? वो सुनवा भी देते हैं, ज़रा एक शॉर्ट छोटा सा है वो, ज़रा सुनिए राणा साहब, ज़रा सुनवा दीजिए फिर आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, तीन तारीख दी हुई है वफद को? नहीं, मैंने नहीं दी, उन्होंने लिए मुझे। उन्होंने आपसे लिए जी। अगर तब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका लाहे अमल क्या होगा? लाहे अमल यही होगा कि हम धरने पर धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर ये आपके मुतालबात नहीं माने तो कितने एमएनए और एमपीएस आपके साथ हैं? वो तो मेरे पास मौजूद है इस्तीफे। तादाद 15 मेरे पास है जी। राणा सनावला साहब जी, इसके ऊपर देखें, पीर साहब जो हैं वो न सिर्फ बुज़ुर्ग बल्कि इंतहाई बुज़ुर्ग जो हैं वो अपना शख्सियत हैं और उनका जो हमारे वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका भी वहाँ पे उनके साथ बड़ा अच्छा तल्लक है, हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं और पीएमएलएन के वो बड़ा बड़े हामी हैं। तो उनकी बात के ऊपर मैं कोई तबसरा किए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ये मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा।